अब देखो, आज हम लोग बात करेंगे एक फेमस मंकी और हंटर की प्रॉब्लम की, है ना। ये क्वेश्चन तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द बुक में दिया रहता है, और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन तुम्हारा क्या बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि यहां पे इस तरह से एक ट्री है ना, इस तरह से यहां पे एक ट्री है, ये हो गया यहां पे ग्राउंड, ये तुम्हारा ट्री है, ये तुम्हारा ग्राउंड है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां कहीं एक मंकी है और ये मंकी अभी लटका हुआ है। तो मंकी है और जो भी मंकी है, ये मंकी हमारा पेड़ पे क्या हुआ है, लटका हुआ है। अब यहां कहीं एक हंटर है, यहां कहीं एक हंटर है, जो भी हंटर है हंटर की हाइट को नेगलेक्ट करने लिए बोल रहा है। अब ये जो हंटर है, ये हंटर क्या कर रहा है, गन को मंकी की ओर एम कर रहा है। तो जो भी हंटर है हंटर गन को क्या कर रहा है, मंकी की ओर एम कर रहा है। और मान लो जब मंकी अभी लटका हुआ है तो ये कितनी हाइट पे है, ये है हाइट एट अ एच फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो भी मंकी है, मंकी एच हाइट पे लटका हुआ है, यहां पे एक हंटर है, और हंटर कर क्या रहा है, हंटर कर क्या रहा है, हंटर मंकी की ओर गन को एम कर रहा है, और गन को एम करके यहां से एक बुलेट को वो फायर करता है। अच्छा, बुलेट को कितनी वेलोसिटी से फायर कर रहा है, तो वो बुलेट को फायर कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिस टाइम पे उसने बुलेट को फायर किया, उसी टाइम पे ये जो मंकी है, ये मंकी अपना हाथ क्या कर देता है, छोड़ देता है, और ये जो मंकी है, ये मंकी अब इस तरह से नीचे आ रहा है। जो भी मंकी है, मंकी अब इस तरह से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अच्छा, जैसे ये मंकी हाथ छोड़ेगा तो मंकी का तो यहां पे फ्री फॉल हो रहा होगा, और हमने पढ़ा है कि जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट का पाथ वहां पैराबोलिक होता है, तो बुलेट जो है वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब क्वेश्चन में पूछता है कि विल द बुलेट हिट दिस मंकी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है मंकी है, मंकी पेड़ पे लटका हुआ है, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, यहां पे एक हंटर है, हंटर क्या कर रहा है, मंकी की ओर गन को एम कर रहा है, बुलेट को फायर कर रहा है। जिस टाइम पे उसने बुलेट को फायर किया उसी टाइम पे मंकी ने अपना हाथ छोड़ दिया। अब मंकी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है, बुलेट पैराबोलिक पाथ पे जा रही है, तो बताना है, क्वेश्चन में पूछता है कि विल द बुलेट हिट द मंकी, बुलेट इस मंकी को हिट करेगी या नहीं करेगी। तो देखो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसी टाइम पे टी टाइम की हम बात कर रहे हैं, मान रहे हैं हम टी टाइम बाद बुलेट यहां पहुंच रही है और टी टाइम बाद मंकी यहां पहुंच रहा है। अब टी टाइम बाद जो बुलेट है, बुलेट की हाइट हम ले रहे हैं y1, टी टाइम बाद बुलेट की हाइट हमने ली है y1। अच्छा, टी टाइम बाद मंकी की जो हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं ग्राउंड से, वो कंसिडर कर रहे हैं y2। मंकी को यहां पे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है, उसके डायमेंशन को नेग्लेक्ट करना है। अगर हम ऐसा प्रूव कर पाए कि y1 y2 के बराबर है, टी टाइम बाद जितनी हाइट पे बुलेट है अगर उतनी हाइट पे ही मंकी होगा, तब तो ये बुलेट मंकी को क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। लेकिन अगर y1 की वैल्यू ग्रेटर देन y2 निकल के आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मंकी नीचे है बुलेट ऊपर है, और अगर y2 ज्यादा आया y1 से, इसका मतलब है कि मंकी ऊपर रह गया और बुलेट नीचे से निकल गई वहां पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि y1 y2 के इक्वल है क्या। तो y1 y2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y1 y2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी टाइम बाद दोनों के कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब यहां पर रिजल्ट याद होगा, इसको हम डिफाइन करते थे ओरिजन, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। जो बुलेट है, बुलेट का फॉर्मूला था वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस था हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई नॉट क्या था,
जीरो। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इसने मान लो थीटा एंगल पे एम करके फायर किया है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर टी टाइम बाद बुलेट का कोऑर्डिनेट वाई वन। तो वाई वन क्या निकल के आ गया, वाई वन आ गया वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टी टाइम बाद बुलेट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, मंकी का यहां पे फ्री फॉल हुआ है तो यहां से यहां तक आने में इसको टाइम टी लगा, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट एस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसको लिखो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है। अच्छा, टी टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो ग्राउंड से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ग्राउंड से इसकी हाइट हो जाएगी एच माइनस एस। तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो जाएगी वहां पे एच माइनस एस, एस की वैल्यू कितनी हो गई, एस हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं, वहां पे इसको बोलो इक्वेशन टू। अब ये बता रहा है टी टाइम बाद मंकी का वाई कोऑर्डिनेट और ये बता रहा है टी टाइम बाद बुलेट का वाई कोऑर्डिनेट। अब बताओ देख के दोनों कोऑर्डिनेट सेम है क्या, तो अगली इक्वेशन क्या यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये एंगल थीटा है कि नहीं है और इसको ज्वाइन करोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं वहां पे टेन थीटा इक्वल्स टू। बताओ अब क्या लिखें, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। देखो है कि नहीं, वहां पर चेक करो टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ध्यान है एक्स क्या है, एक्स वहां पे टी टाइम बाद बुलेट का कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। देखो यही कि नहीं, वहां पे तो टी टाइम बाद जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अच्छा, अब इक्वेशन क्या मिल गई वहां पे, ये जो इक्वेशन आएगी वाई वन वी नॉट साइन थीटा, अब टी की जगह वहां पे पुट कर दो एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी बाय टू। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे, या फिर ऐसा करो वहां पे ये इक्वेशन लिखी रहने दो, वहां पे क्या करो केवल टी की वैल्यू यहां पुट करो, इस इक्वेशन को एज इट इज लिखे रहने दो, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी हाफ जी टी स्क्वायर है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, वी नॉट कैंसल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह पुट कर सकते हैं एच अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया, वाई वन इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, वाई वन इक्वल्स टू आ गया एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टी टाइम बाद, ये बता रहा है वहां पे टी टाइम बाद बुलेट का कोऑर्डिनेट ग्राउंड से वाई कोऑर्डिनेट, और ये बता रहा है टी टाइम बाद मंकी का वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ग्राउंड। अब चेक करो ये जो वैल्यू है एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये रिजल्ट सेम निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि टी टाइम बाद बुलेट जो रहेगी वो मंकी को क्या करेगी, हिट करेगी। क्लियर। और यहां पे हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो भी मंकी है वो बुलेट की क्या है, रेंज के अंदर है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन तुम देखोगे, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बुक में थ्योरी के फॉर्म में दिया होता है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि ये बुलेट मंकी को हिट करेगी या नहीं हिट करेगी, तो हमारा आंसर क्या है कि ये जो बुलेट है ये बुलेट मंकी को क्या करेगी, हिट करेगी। क्लियर। तो याद रखना है आंसर है बुलेट विल हिट द मंकी, नोट डाउन कर लो इसको अब तुम वहां पर।